हाय एवरीबॉडी, दीपिका की दुनिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच पिछले इतने सारे वीडियोस को इतना सारा प्यार देने के लिए। बहुत लोगों ने बहुत प्यार से करेक्शंस बताए, थैंक यू। बहुत लोगों ने सड़ियल तरीके से बताया, चलो कोई माफ किया। आज मैं आपके साथ एक बहुत स्पेशल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो दीपिका स्पेशल के नाम से फेमस हो चुकी है, क्योंकि मेरे बिग बॉस की पूरी जर्नी में इसने बहुत इंपॉर्टेंट किरदार निभाया था, मेरे हाथों का बना हलवा। तो मेरे चैनल पे मैं अपने स्पेशल हलवे की रेसिपी आपके साथ शेयर ना करूं, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब मैं तो जगत हलवे वाली बन गई थी। चलिए फटाफट शुरू करते हैं, बताती हूँ मैं आपको हलवा कैसे बनाते हैं। आई एम श्योर ये भी आप सब लोग अपने घर पे, सब लोग ज्यादातर लोग अपने घर पे बनाते होंगे। और आज मैं किस तरह से बना रही हूँ ये मैं आपको दिखाती हूँ, मेरा बिग बॉस फेमस हलवा। आई तो मैंने ये आटे का हलवा होता है, तो आटा मैंने लिया है 1 कप, और जितना आप आटा लेंगे उतना ही दूध होना चाहिए। आप पानी भी यूज़ कर सकते हैं, आप आधा दूध आधा पानी भी यूज़ करते हैं, लेकिन सच में जो मज़ा आता है ना मलाईदार, वो दूध के साथ ही आता है। तो प्लीज़ पूरा ही दूध लीजिएगा। मतलब बिग बॉस में हमारी राशन की इतनी कड़की हुआ करती थी, फिर भी मैं पूरा दूध डालती थी। सो ये है 1 कप दूध, 1 कप आटा, लगभग 3/4 कप चीनी। अब हम लोग थोड़ा मीडियम मीठा लेते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप 1 कप चीनी भी ले सकते हैं। घी वो मैं अपने अंदाज से लगभग आधा कप डालूंगी, ताकि आटा जो है वो पूरा अच्छे से गीला हो जाना चाहिए, वो मैं आपको बनाते हुए समझाऊंगी। एंड इलायची पाउडर, आप साबुत इलायची भी डाल सकते हैं, लेकिन इलायची पाउडर है तो मुँह में नहीं आएगा। इसमें आप चाहो तो अपने मन के ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो ऐड करने हैं कर लो, लेकिन आटे का हलवा प्लेन ज्यादा अच्छा लगता है। सो लेट्स बिगिन। पहले जो दूध है, आप कच्चे दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने बॉयल लिया है, अल्टीमेटली वो बॉयल नहीं होना है, तो मैं पहले इसको एक बॉयल आने दूंगी, और तब तक आटे को हल्का सा भूनने की जरूरत है। वैसे एक बात मैं आपको बता दूं कि जो बिग बॉस आप देखते हैं और उसमें खाने की जितनी कड़की दिखाई देती है, वाकई में उतनी ही होती है। मतलब हमारे साथ तो ऐसा हुआ करता था कि हर संडे राशन आता है और फ्राइडे को चीनी खत्म हो गई। अब क्या करें, अब 2 दिन ना कोई चाय पी रहा है ना कुछ। फिर ये पहला हफ्ता हुआ, फिर दूसरे तीसरे हफ्ते से लोगों ने थोड़ा बचत के साथ काम करना शुरू कर दिया, और फिर टुवर्ड्स द एंड आप सबको पता है लोगों की दुकानें खुल गई थी और काफ़ी लोग चोरी करने लग गए थे। मैं भी छिपा के रखती थी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं इसलिए छिपा के रखती थी क्योंकि फिर जब किचन में ख़त्म हो जाता था तो निकाल के सब लोग यूज़ कर लेते थे, क्योंकि सुबह की चाय तो मैं ही बनाती थी, तो इसलिए। पर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है वो, जब बजटिंग वाले राशन में आपको पूरे हफ्ते का गुजारा करना पड़ता है इतने सारे लोगों की कैलकुलेशन करके, वाह हमेशा याद रहता है। तो इसे आप मीडियम फ्लेम पे भून सकते हैं, हाई बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि आटा बहुत जल्दी जल जाता है। तो मीडियम फ्लेम पे आप भून लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कंटिन्यूसली स्टर करते रहिएगा। सो दूध जो है बॉईल हो गया है, अब मैं इसमें ये चीनी डाल दूंगी। क्या और ये स्लो पे हम लोग पूरी तरह से चीनी घुलने देंगे। ओकेजनली स्टर कर सकते हैं आप चाहे तो कंटिन्यूसली भी स्टर कर सकते हैं। या तो आपको 2-5 मिनट तक भूनना पड़ेगा, जब तक इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगे और जो कच्चापन है वो हट जाए। वैसे आटा भूनना ज़्यादा ईजी होता है राधर देन बेसन भूनना, बेसन भूनने में बहुत वक्त लगता है। मैं कई बार जब घर पे, बिग बॉस के घर में नहीं, घर पे जब मैं हलवा बनाती हूँ तो सूजी और आटा मिक्स करके बनाती हूँ, तो भी बहुत माइंड ब्लोइंग लगता है। सेम प्रोसीजर है, सेम मेजरमेंट से, सिर्फ तब आप 1/2 कप आटा लीजिए और 1/2 कप सूजी लीजिए, बहुत अच्छा बनता है। बिग बॉस के घर में तो सूजी हमने शायद देखी नहीं कभी।
तो ये आटा अच्छी तरह से भून चुका है। अब अगर आप ज्यादा बर्तन गंदे करने चाहते हैं और अगर आप थोड़ा लॉन्ग कट चाहते हैं तो आप इसको साइड में हटाइए, विसिक कर लीजिए, उसमें घी डालिए, उसमें इलायची पाउडर डालिए, वो भी आप कर सकते हैं। मैं थोड़ा शॉर्टकट मेथड अपनाती हूँ, तो इसमें मैं बीच में जो है थोड़ी सी जगह बनाऊंगी, वो भी सेम पर्पज करता है, कोई फर्क नहीं है। और इसमें मैं थोड़ा सा घी डालूंगी, विल वेट जब तक ये घी अच्छे से मेल्ट हो जाए। और मेल्ट होते ही मैं इसमें इलायची पाउडर अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। घी लगभग 2 बड़े चम्मच होना चाहिए, अगर आप कम ज्यादा कर सकते हैं, अगर आपको ज्यादा घी चाहिए तो आप थोड़ा ज्यादा कर दीजिए कि आपका जो आटा है वो पूरी तरह से कवर हो जाए। मैं हमेशा सजेस्ट करूंगी कि घी आप थोड़ा थोड़ा करके डालिए। देखिए मैंने थोड़ा सा घी डाला, अब ये पूरी तरह से जो है आटे के लिए ऑब्वियसली कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अब मैं और घी डालूंगी। बेसिकली हमारा जो आटा है वो पूरी तरह से घी में कवर हो जाना चाहिए, जैसे किसी भी हलवे में होता है। आपको पता है बिग बॉस में हमें घी नहीं मिलता था, ऑफ कोर्स घी वाज अ लग्जरी आइटम, तो उसे मैं तेल में बनाया करती थी। और जब मैंने पहली बार बनाया था तो मैं बहुत डर डर के तेल में बना रही थी, क्योंकि तेल की एक अलग सा एक उसका स्वाद होता है, तो मुझे लगा कहीं वो हलवे में ना आ जाए, तो मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा इलायची डाली थी, बट नहीं आया और पूरा खत्म हो गया था। ये आपका हलवा, आपका आटा जो है वो इस तरह से एक थिक पेस्ट बन गया हो अच्छे से। अब ये आप थोड़ी देर भूनिए ऐसे कर करके, ताकि कोई लंप्स ना रहे। लॉकडाउन को काफी लोग जो हैं वो कंपेयर कर रहे हैं बिग बॉस हाउस, नहीं बिल्कुल नहीं, प्लीज कंपेयर मत कीजिए। यहां और कुछ नहीं तो आप एटलीस्ट अपने कंफर्ट जोन में हो, आपका खुद का बेड है, आपके मम्मी पापा आपकी फैमिली आपके साथ हैं, आपके हस्बैंड वाइफ बच्चे जो भी सब आपके साथ हैं, सिस्टर्स वगैरह, वहां आपको अनजान लोगों के साथ छोड़ दिया जाता है। एंड मैं नहीं कहूंगी कि लोग बुरे होते हैं, बिल्कुल नहीं, सब अच्छे होते हैं, एवरीबडी इज गुड, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एवरीबडी इज देयर टू प्ले अ गेम एंड विन, सो इट्स अ डिफिकल्ट, इट्स अ डिफरेंट जर्नी। पूरी तरह से कॉन्स्टेंटली आप मेंटली बहुत प्रेशर में रहते हो, कुछ लोग आपको आपसे बहुत झगड़ा करते हैं, बहुत एलिगेशंस लगाते हैं, जैसे मेरे साथ अगर आपने देखा होगा, और फिर सब कुछ होने के बाद रात में वही आ जाया करती थी, फिर भी दीपिका जी हलवा बनाएंगी तो हमें दे दीजिए, और अगले दिन फिर उसी हलवे के नाम से मुझे गालियां देनी होती थी। तो ये देखिए, ये पूरा जो शुगर है दूध में घुल चुकी है, दैट्स इट, इसको आपको और पकाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस आप गैस ऑफ कर सकते हैं। तो या तो लेट नाइट फरमाइश आया करती थी कि दीपिका जी प्लीज सब कह रहे हैं हलवा बना दो, या सुबह ब्रेकफास्ट में, जो अगर कोई हफ्ता बहुत स्ट्रेसफुल रहा है, या हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार तो हम लोग ब्रेकफास्ट करते थे, आलू की सब्जी पूरी और ये हलवा। और जब आलू की सब्जी बनती थी तो दीपक जनाब के लिए मैं 2 बड़े बोल साइड में रख देती थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खुशी से एकदम शौक से खाया करता था। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, लेकिन मैं थोड़ा सा और इसको भूनूंगी। बहुत टेस्टी बनता है, आप इसको फ्रिज में रखना चाहे फ्रिज में रखें, या बाहर रखना चाहे बाहर रखें, ये खराब नहीं होता है, 3-4 दिन तो आप आराम से रख सकते हैं। ओके, अब ये अच्छे से भुन चुका है, अब इसमें जल्दी से हम जो है इसमें डाल देंगे। और इस दौरान बहुत बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये इस तरह से स्प्लैटर होता है,
और ये उड़ता है तो आप जल सकते हैं, तो बहुत केयरफुल रहिएगा। प्लीज somebody जो किचन से फ्लुएंट नहीं है वो प्लीज ना बनाए, प्लीज मम्मी को बना लेते। अरे हाँ, एक बात मैं आपको बताना ही भूल गई, देखिए आज मैं वुडन स्पून का इस्तेमाल कर रही हूँ। सॉरी, दैट वॉज अ जेन्युइन मिस्टेक। एक्चुअली हम भले ही एक्टर्स हैं, भले ही कैमरा बहुत बार फेस कर चुके हैं, बट ये फैक्ट बात है कि जब हम कुछ कर रहे हैं आप लोगों के सामने लाने के लिए, तो एक हल्की नर्वसनेस जरूर रहती है कि आप लोगों को कैसा लगेगा, तो उस बौखलाहट में गलतियां हो जाती हैं। सो यस, आई एग्री, नॉन स्टिक्स पे हमको कभी भी स्टील के स्पून्स यूज नहीं करने चाहिए, और मैं नहीं करती हूँ, दैट वाज अ मिस्टेक। सो थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग मी। ओके, तो हमारा हलवा अच्छी तरह से, बिग बॉस के बाद से जब भी मैं हलवा बनाती हूँ मुझे बिग बॉस के किचन की और घर की बहुत याद आती है। आज भी इतनी सारी यादें ताजा हो गई, एकदम बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बिल्कुल वैसी ही। सो हमारा हलवा अच्छे से रेडी हो चुका है, इसको टेस्ट करके देखते हैं। एक बहुत मजे की बात है, मैं आपसे कह रही थी ना कि आप इसे स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में, बाहर कुछ भी, इसका प्रूफ मैं आपको बताती हूँ। एकदम मैं मेरे एकदम बगल में जसलीन का बेड था, एंड रात में मैंने देखा कि वो कुछ खा रही है। मैं बोला क्या खा रही है, कितनी हलवा। मैं बोला वो तो 3 दिन पहले बना था। कितनी, हाँ जब भी बनता है ना, मैं अपने शहर का वो अपने कबर्ड के बगल वाले ड्रॉर में छिपा के रख देती थी और 3-4 दिन थोड़ा थोड़ा करके खाती थी। उसको मीठा बहुत पसंद है। सो और वो मुझे हमेशा बोलती थी कि दीपिका आप ही हो जिसकी वजह जो मुझे मोटा कर रहा है, क्योंकि उसको आलू पसंद है और मैं बहुत आलू बनाती थी, और उसको पराठे पसंद है और मैं पराठे भी बनाती थी, तो मुझे बहुत लड़ती थी। बट दिस इज फॉर ऑल ऑफ अस। सुपर, बहुत यम बनता है, और गरम गरम खाइए, पूरियों के साथ खाइए, बहुत मजेदार होता है। सो जल्दी जाइए, आप भी बनाइए या मम्मी से बनवाइए जो भी, एंड इस वीडियो को भी ढेर सारा प्यार दीजिए, इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लव यू ऑल।